सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नया दिन और एक नया ब्लॉग के साथ। और अभी जैसा कि आपको आपने प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारा जो अब न्यू स्टार्टअप है यानी क्लाउड किचन, उसके स्टार्टिंग मैं कल से कर रहा हूँ। आज रेस्टोरेंट जो था हमारा जोमेटो पे ऑनबोर्ड सक्सेसफुल हो चुका है। और उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है, मैंने मेन्यू तो बहुत लंबा तैयार किया है, वो आप जाके जोमेटो पे देख सकते हो। पटना सेक्शन में आपको नज़र आ जाएगा हमारा रेस्टोरेंट जो आउटलेट है। लेकिन अभी हम उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो अब हमारा ये जो चैलेंज रहेगा कि कितना इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न ले रहा हूँ मैं, तो ये सारा चीज़ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। सो जस्ट आपके सामने 500 के ये तीन पत्ते नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये टोटल 1500 रुपये है। और 1500 रुपये को मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ अभी, और उसके बाद देखते हैं कि इस 1500 का रिटर्न कितना आता है और कितने दिनों में आता है, कितना इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो जस्ट 1500 है, 1500 में कितना इन्वेस्ट होते हैं ये सारा सब कुछ आपके सामने मैं करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन द ब्लॉग। 2000 years later. अभी हम मार्केट से आ चुके हैं और कल होने वाला है हमारे किचन का पहला दिन, जिसमें मैंने करीबन करीबन 49 आइटम 49 आइटम जो है हमारे रेस्टोरेंट में मैंने लिस्टेड कराया है। जिसमें से स्टार्टिंग जो डे है वो मैं अभी फास्ट फूड के सेक्शन से बर्गर लेके चलने वाला हूँ, साथ में मैगी का आइटम है वो मैं लेके चलने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये दो आइटम के अकॉर्डिंग ही जो पैकेज सिस्टम है वो मैंने कुछ कुछ पैकेटिंग के लिए ख़रीदा है मार्केट से, जैसे कैसे पैक करके देना है कस्टमर को, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। साथ में ये दो प्रोडक्ट के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स मुझे लग गए और कितने के इन्वेस्टमेंट आई है फर्स्ट डे, वो सारे आपको ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ। तो लगभग अगर आप देख सकते हो तो मेरे बगल में ये दो तीन आइटम जो आप देख सकते हो, अच्छा आइटम है ये, आप देखिएगा ये जो पेपर यूज़ होता है बर्गर को पैक करने के लिए वो है। ये कुछ बैग है इको फ्रेंडली जिसमें मैं अपने ऑर्डर को दूंगा। ये मेरे पास आपको फॉइल पेपर पड़ गया। यहाँ पे भी कुछ पैकेट प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको जिसमें आप मोमोज वगैरह खाते हो, तो ये जो चटनी वाला छोटा सा आपको ये मिलता है हुक टाइप का, ये वो है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ सॉसेज हैं 2 पैकेट जो कि बर्गर में काम आएगा, ये आप देख लो चाइनीज़ वगैरह के लिए है। फिर अगर आपको मैं ये बताऊं तो ये मेरे आपको रेस्टोरेंट पे मिल जाएगा, मेरा जो आउटलेट है उस पे आपको कहीं ना कहीं ये कोक है 20 रुपए वाला, लगभग लगभग ये आता है ML मुझे नहीं पता प्रॉपर कितना ML आता है, 200 ML आता है, 200 ML के लगभग आता है ये 20 रुपए का। तो ये आपको, ये मैंने पूरा का पूरा सेट लिया क्योंकि सिंगल अगर मैं इसको परचेस करता तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं रहता। साथ में मैंने ये कुछ मैगी लिया है क्योंकि आप अगर मेरे आउटलेट द टेस्ट ऑफ BR01 पे जाओगे तो वहाँ आप चेक करोगे कि मैगी के कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। ये कुछ वाइल वगैरह है और ये रॉ मटेरियल्स है बर्गर के लिए, तो लगभग लगभग ये सारे आइटम हैं। और ये कितने के पड़े कैसे पड़े वो मैं आगे आपको ब्लॉग में बताऊंगा। तो फाइनली दोस्तों, मार्केट से आने के बाद मैंने सोचा कि कल से मार्केट स्टार्ट करना ही है। आउटलेट को ऑन करने से पहले मैंने सबसे पहले सोचा कि रात को क्यों ना आलू को उबाल के और उसको मैश करके रख दूँ, ताकि फिर नेक्स्ट डे मुझे बस टिक्कियाँ बनानी रहेंगी और फिर बर्गर को असेंबल करके और देना रहेगा। क्योंकि नेक्स्ट डे क्यों पहले दिन क्या ऑर्डर आएगा, क्या नहीं आएगा, कितने आते हैं, और स्पेशली अगर मैं पटना की बात करूं तो मैंने दिल्ली में देखा है कि बर्गर का डिमांड काफ़ी हाई रहता है, लेकिन पटना में क्या डिमांड रहता है ऑनलाइन, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में अलग अलग कंपटीटर कंपनी हैं जो कि काफ़ी बेस्ट भी है बर्गर सेक्शन में। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं लेकिन लगभग लगभग अभी आलू मैश कर देते हैं और नेक्स्ट डे जो है वो टिक्की के साथ बर्गर को असेंबल करके ऑर्डर आने पे दे दूंगा। सो दोस्तों, अभी रात के 12 बज रहे हैं और हमने जो है टिक्की का प्रेपरेशन स्टार्ट कर दिया है। अभी आलू मैश करके रख दिया है, 4 बजे के लगभग का अलार्म लगाऊंगा क्योंकि आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा भाग दौड़ी हो गया। और लगभग मैं बताऊँ तो ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट हुआ, रफ स्केच में अगर आपको बताऊँ तो 1500 से 1800 के बीच में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके बीच में मैं दो तीन जो प्रोडक्ट है वो प्रेजेंट करने वाला हूँ अपने किचन में। और वो आप जाके देख सकते हो, जोमेटो के ऊपर आउटलेट है हमारा टेस्ट ऑफ BR01। यहाँ पे टेस्ट की स्पेलिंग जो है ये मैंने अलग रखी है, TEST टेस्ट मैंने रखी है, क्योंकि
क्योंकि जो टेस्ट जेन्युइनली जो स्पेलिंग है उसकी वो बहुत सारे आउटलेट थे उस तरीके से, तो मैंने थोड़ा सा सर्च अलग कर दिया है वहाँ पे। और जनरली व्हाट्सएप लैंग्वेज में लोग सर्च भी कर देते हैं TEST, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से अपना आउटलेट रखा है। अगर मैं आपको मेन्यू की बात बताऊं, तो जैसे पहले मैंने बताया कि 49 मेन्यू लगभग मैंने रखा था, लेकिन फर्स्ट डे यार हैंडल करना, अभी मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं बर्गर जो है अपने आउटलेट में फर्स्ट डे कल लॉन्च कर रहा हूँ, जिसपे 3 बर्गर है, एक आपको देसी बर्गर है, दूसरा आपका चीज़ बर्गर है और तीसरा आपका पनीर बर्गर है। तो ये 3 बर्गर मैं लॉन्च कर रहा हूँ, साथ में इसको कॉम्बो के साथ में मैंने जो 20 रुपीज़ की कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है कोक की, वो उसके साथ मैं कॉम्बो बना के सर्व कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो आउटलेट पे जाके, फिलहाल के लिए आगे क्या है क्या नहीं है तो उसके लिए 4 बजे का वेट करते हैं, क्योंकि टिक्की हमारी जो है वो 4 बजे बनेगी, और ताकि खराब ना हो, क्रिस्पी नेस रहे और मतलब कस्टमर को खाने में भी फ्रेश लगे, अच्छा लगे। इस सुबह सुबह के टाइम है अभी, और अभी रात को जो है ना हमने टिक्कियाँ बनाई नहीं थी, क्योंकि टिक्की जो है अभी हमारा बन अवेलेबल, टोटल एटलीस्ट मेरे पास 5 बन अवेलेबल हो पाया है, और आज मॉर्निंग में मैं जाऊंगा। और दूसरी चीज़ की बर्गर जब हम पैक करके देते हैं ना, तो उसमें जो एनवेलप के यूज़ होता है वो तो एनवेलप भी हमें नहीं मिल पाया था प्रॉपर। तो अभी जा रहे हैं हम, उठते हैं और चलते हैं, मेकिंग कर ले रहे हैं टिक्कियों की। सुबह का 6 बज रहा है, फ्रेश टिक्कियाँ बनाता है, और उसके बाद फिर जो बन होगा और एनवेलप होगा वो जाके हम कलेक्ट कर लेंगे, देन आप ताकि हम अपने आउटलेट पे ऑनलाइन ऑन द टाइम आ सके। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं मेकिंग टिक्कियों की। यहाँ पे जो है टिक्की का मेकिंग स्टार्ट है, आप देख सकते हैं, और अभी ब्रेड क्रम्स हमने बना के इसमें रख दिया है। तो फाइनली सुबह का टाइम हो रहा है और अभी हम टिक्की बना रहे हैं। यहाँ पे हमारा टिक्की का जो भी रॉ मटेरियल है वो रेडी है, और आगे टिक्की बनाते हैं और आगे जो कुछ भी होता है वो आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये वीडियो यहाँ पे रुकेगा, तो ये अगली वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक फॉर वॉचिंग, और आगे क्या होता है कैसे होता है उसके लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।